हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अंकित रामी और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का पासवर्ड भूल जाते हो तो उसको फॉर्मेट किए बिना आपके डेटा को सिक्योर रख के रिकवर कर सकते हो। इस वीडियो में जो भी स्टेप है वो सारे स्टेप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले लारा सॉफ्ट करके एक कंपनी है जिसने पासवर्ड रिकवर के लिए एक टूल बनाया हुआ है, वो टूल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद इसकी जो प्रोसेस है वो कोर लेवल की होगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। मैं उसके डाउनलोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फिर आपको एक फाइल मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके सिंपल नेक्स्ट आया एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन करके इंस्टॉल कर देना है। जब ये प्रोसेस हो जाए उसके बाद उस एप्लीकेशन को आप देखोगे स्टार्ट मेनू के अंदर, ऑल प्रोग्राम के अंदर लारासॉफ्ट करके जो कंपनी है उसकी डिटेल में भी आपको वो मिल जाएगी। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, उस सॉफ्टवेयर की जो इंस्टॉलेशन फाइल थी उसके बाद एक इंस्टॉलेशन आइकॉन आ गया है, वहां पे मैं क्लिक करता हूँ। ये बोलता है कि आपको बूटेबल पेन ड्राइव या सीडी बनानी होगी। आपको कोई भी एक ब्लैंक पेन ड्राइव लेनी है जिसमें कुछ भी डेटा होना चाहिए नहीं। आपके कंप्यूटर में एक्सपी विस्टा 7, 8, 10 सारे कंप्यूटर का पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। जिस कंप्यूटर का पासवर्ड रिसेट करना है या फिर कोई अनदर कंप्यूटर में जाके इसकी सीडी बनानी है, लाइक मैं सेम पीसी रखता हूँ एंड यहाँ पे यूएसबी फ्लैश ड्राइव, आपको आईएसओ फाइल बनानी है, सीडी डीवीडी क्या बनाना है, मेरे पास अभी पेन ड्राइव है इसलिए मैं यहाँ पे पेन ड्राइव सिलेक्ट करता हूँ। आप सेम पीसी तभी कीजिएगा जब आपको सेम पीसी में करना हो। अगर आपको एक्सपी 10, 7 में करना है तो उसको सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने यूएसबी फ्लैश ड्राइव सिलेक्ट किया फिर उसने एक पेन ड्राइव के अंदर कुछ प्रोसेसिंग और कुछ सेटिंग की है जिसके थ्रू एक पेन ड्राइव बन जाएगी जो कि बूटेबल होगी और उसके बाद मैं मेरे सिस्टम को जो पासवर्ड है उसको रिसेट कर पाऊंगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो पेन ड्राइव है वो उसके सॉफ्टवेयर के नाम पे से बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है, उसके अंदर कुछ भी डेटा होना चाहिए नहीं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैं मेरे कंप्यूटर में विंडो एल कर रहा हूँ, मेरा पासवर्ड है 123456, ठीक है। मैं जब भी ये पासवर्ड डाल के नेक्स्ट करता हूँ तो मेरा जो लॉगिन प्रोसेस है वो डन हो जाता है, बट जब भी मैं गलत यूजर नेम पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करता हूँ मेरी सिस्टम मुझे एरर मैसेज दे देती है, दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड इज अनकरेक्ट, ठीक है। इस तरीके से कुछ एरर मैसेज आ जाता है। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे कंप्यूटर को मैं शट डाउन कर देता हूँ। शट डाउन करने के बाद जो भी प्रोसेस होगी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है। जैसे ही आप शट डाउन कर दो आपके कंप्यूटर को, उसके बाद जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, पता है आपको दिखता है F10 टू रिकवर, F12 टू ये, तो आपको आपके कीबोर्ड में से डिलीट की को प्रेस करना है मल्टीपल टाइम, एक से ज्यादा बार डिलीट की को प्रेस करना है। जैसे ही आप डिलीट की को प्रेस करोगे आपके सिस्टम में कुछ इस तरीके से इन्वायरमेंट रिलेटेड सेटिंग आ जाएंगे, वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, लोड ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट सेटिंग, यानी कि उसको बोल देना है कि जो भी सेटिंग है उसको डिफॉल्ट टू सेट कर दे, फिर F10 टू सेव, F10 से सेव होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं उसको सेव कर रहा हूँ। ये स्क्रीन है जो ब्लर हो रही है, सम सिक्योरिटी पर्पज और सम फोटोज और वीडियो एक्स्ट्रा दिख रहे थे इसलिए मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे बोलता है कि आपको रिकवर मोड में जाना है, तो F9 या F12 मेरे कंप्यूटर में रिकवर मोड था बूट मेनू का, तो मैं वहां पे गया। फिर यहां से मैं मेरी हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करता हूँ। हार्ड डिस्क में आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको हार्ड डिस्क चाहिए या पेन ड्राइव, तो मेरी पेन ड्राइव है जेनरिक फ्लैश ड्राइव करके जो पेन ड्राइव है जिसको मैंने बूटेबल बनाया था, मैं उसको सिलेक्ट करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इसकी प्रोसेस को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ, आप देख सकते हो आपके कंप्यूटर में जो भी जीगाबाइट का मदरबोर्ड होगा या जो भी प्रोसेस होगी वो यहाँ पे आ चुका है। इस प्रोसेस के बाद आपके कंप्यूटर में कुछ लोडिंग स्क्रीन होगी जो मैंने यहाँ पे स्किप की हुई है, उसके बाद ऐसी कुछ स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको पासवर्ड रिसेट करना है या उसकी प्रोडक्ट की सर्च करनी है। मैं बोलूंगा कि भाई मुझे पासवर्ड रिसेट करना है, किस ड्राइव में से करना है, तो भाई मुझे पता है नहीं, नेक्स्ट कर रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ कि पासवर्ड रिसेट करना है और जो भी ड्राइव है ना तू खुद ढूंढ ले, मुझे पता है नहीं, इसके बाद मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ लोडिंग वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो भी ड्राइव है
उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये गेट करेगा और चेक करेगा कि किस ड्राइव के अंदर किस जगह पे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, पासवर्ड की फाइल कहाँ पे है और किस तरीके से वो होगा। ठीक है, अभी ये लोडिंग कर रहा है प्रोसेस में और उसने सर्च करने के बाद एक स्क्रीन ढूंढ ली होगी लाइक इस तरीके से। इसने दिखा दिया आपके विंडोज में जो पार्टीशन 1 है वहां पे ये इंस्टॉल है और उसका पासवर्ड रिसेट करना है। जैसे ही आ जाए नेक्स्ट कर देना है। आपके कंप्यूटर में जितने भी यूजर होंगे सारे यूजर यहाँ पे आ जाएंगे। अभी मैं TML करके यूजर को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे पता है कि अंकित रामी वाला यूजर है, ठीक है, यानी कि मेरा यूजर है। नाउ इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपको वहां पे आपके यूजर के नाम की डिटेल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। होगी तो दिखेगी, नहीं होगी तो डिस्क्रिप्शन नहीं दिखेगी। आपको यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा है रिसेट एंड अनलॉक, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे लो हो गया फ्रेंड, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी पासवर्ड था आपने फॉर्मेट किए बिना उसको रिकवर कर दिया है। अगर मेरे में एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर का भी पासवर्ड भूल चुका हूं, तो मैं उसको भी रिसेट कर सकता हूं। देख सकते हो दोनों के दोनों अकाउंट में जो TML अंकित रामी यूजर था वो और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों रिसेट हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे जो उसकी सिस्टम की इन्वायरमेंट है वहां से रिबूट कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं रिबूट करता हूँ मेरे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली जिस तरीके से रिसेट होता है उस तरीके से रिस्टार्ट हो जाता है। रिस्टार्ट होने के बाद आपकी प्रोसेस यहाँ पे डन हो चुकी है। जैसे ही मैं जिस तरीके से नॉर्मल विंडोज स्टार्ट हो रहा है उस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। स्टार्ट विंडोज नॉर्मली पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ये प्रोसेस डन होने के बाद विंडोज 7 जो उसकी बूटिंग लोगो स्क्रीन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। वो प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका कंप्यूटर है ना पहले जिस तरीके से पासवर्ड मांगता था उस तरीके से अभी रिक्वायर रिमेंट होगा नहीं, यानी कि आपके कंप्यूटर का जो पासवर्ड है वो रिसेट हो चुका है। आपने खुद से विदाउट कोई बूटेबल पेन ड्राइव या यानी कि किस तरीके से आपने कोई विंडोज 7 या 8 इंस्टॉल करके नहीं, ऑटोमेटिकली एक छोटे से सॉफ्टवेयर से ब्लैंक पेन ड्राइव को लिया और आपके कंप्यूटर को आपने रिसेट कर दिया, अपने पासवर्ड को रिसेट कर दिया वो भी फॉर्मेट किए बिना। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस AR InfoWay की चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बने रहिए इस AR InfoWay की चैनल पे और लगातार सीखते रहिए ऐसी बढ़िया वीडियो वाली ट्रिक। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।